नमस्कार, नवभारती स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार सेन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं पशुपालन के अंदर अगली ट्रिक। और हमारी अगली जो कड़ी है उस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे गाय के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, पिछली कड़ी में हमने बात की थी गरीब की गाय के बारे में, लेकिन आज हम गरीब की गाय नहीं गाय की बात करेंगे। और गाय की बात को लेकर के हाजिर है आपके साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाय। तो गाय को एक लेकर एक ट्रिक जो बनाई गई है वो ट्रिक आपके सामने है। ये एक व्यक्ति है, उसका नाम है हरी। आई थिंक पेन यूज चेंज करना पड़ेगा। और हरी नाम का एक व्यक्ति है। ये जो हरी है, हरी मेवाती है। हरी कहां का रहने वाला है? हरी मेवाती। अब इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो मतलब कोई सामान लेके जा रहा था, कोई माल लेके जा रहा था, ठीक है। अचानक उस माल को उछालते हुए जा रहा था, वो माल गिर गया। तो देखने वालों ने कहा कि हरी मेवाती का माल, हरी मेवाती का सारा माल गिरना था। हरी मेवाती का सारा माल गिरना था। देखो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हरी मेवाती का सारा माल गिरना था, ये हमारी एक ट्रिक हो गई। सबसे पहले बात करेंगे हरी की, ठीक है। तो हरी से जो ट्रिक जो बनी है, हमने हरी से जो नस्ल बनी वो है हमारे सामने सबसे पहले हरियाणवी। हरियाणवी, हरी से जो नाम बना वो कौन सा बना? हरी से नाम बना है हरियाणवी। तो हरी, हरियाणवी गाय की एक नस्ल है। फिर दूसरी हमने बात की मेवाती। तो मेवाती से सीधा उठाकर रख दी हमने, मेवाती भी क्या है? गाय की एक नस्ल है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो बन गई ट्रिक वो कौन सी बन गई? मेवाती, ठीक है। तीसरा बिंदु है का। तो का से जो नाम बना वो है कांकरेज। कौन सा बना? कांकरेज। का से जो नाम बना वो है कांकरेज। बहुत पूछा जाता है कि कांकरेज नस्ल है बकरी की, गाय की, भेड़ की या भैंस की? तो ध्यान रखना कांकरेज किसकी नस्ल है? कांकरेज गाय की नस्ल है, ठीक है। हरी मेवाती का सा से जो ट्रिक बनी है वो है सांचोरी। सांचे जो ट्रिक बनी है वो है सांचोरी, ठीक है। तो हरी मेवाती का सारा, तो सा से हमने याद क्या किया? सांचोरी, ठीक है। और रा सबसे ज्यादा जो पूछा गया है अब तक जो वो है रा से क्या है? राठी। रा से क्या है? राठी। हाँ रा से आप याद कर सकते हो राखी, है ना। राखी सावंत को याद मत कर लेना, राठी है ये। हाँ तो रा से क्या बनी? राठी। हरी मेवाती का सारा माल, अब माल है तो माल पूरी, सॉरी मालवी। माल से क्या बना? मालवी। माल से क्या बना? मालवी। तो माल से जो हमने ट्रिक पढ़ी वो कौन सी बनी? मालवी। गिरना, तो यहां पर दो है, एक तो है गिर, दूसरी है ना, ठीक है। और तीसरी कौन बच गई? था। तो देखो गिर से जो हमारे सामने जो बन रही है ट्रिक है वो है गिर। नस्ल का नाम क्या है? गिर, ठीक है। ना जो है, ना से जो बनी वो ना से बनी है नागोरी। नासी जो ट्रिक हमारे सामने आ रही है ना से बनी नागौरी। और लास्ट में हमारे सामने बच गया था, तो था से थार पारकर। तो ये हमने बात की एक ट्रिक के माध्यम से गाय की, उन नस्लों की जो राजस्थान में पाई जाती है, जो कि फेमस है
और लगभग इनमें से 99.99% क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है। हरी मतलब हरियाणवी, मेवाती मतलब सीधी सी बात है मेवाती नस्ल का नाम है, का से कांकरेज, सा से साचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिर से गिर, ना से नागोरी और था से थारपारकर। कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर अगर आपके टॉपिक है पशुपालन तो पशुपालन में से नस्लों से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, ठीक है। और नस्लों में आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने सारे पशु हैं, इतने सारे उनकी नस्लें हैं, तो उनको बिना ट्रिक के हम याद नहीं कर सकते। एक छोटी सी ट्रिक कि हरि नाम का कोई लड़का है वो मेवाती है, अलवर क्षेत्र जो है उधर वाला क्षेत्र उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, तो हरि मेवाती है और उसका सारा माल तो गिरना था, वो काम ही ऐसा कर रहा था, उछालते हुए चल रहा था, बस हमने कह दिया हरि का सारा माल गिरना था, तो हमने याद की गाय की बारे में सारी ट्रिक। अच्छा, दो नस्ल ऐसी है जो विदेशी नस्ल है, दो नस्लें ऐसी है जो विदेशी नस्ल है, तो हम याद कर सकते हैं विदेशी नस्ल की बात कर रहे हैं, तो दो नस्ल विदेशी है और वो दो नस्ल विदेशी कौन सी है, एक तो है जर्सी। देखो हम सर्दियों में ज्यादातर क्या पहनते हैं, सर्दियों में ज्यादातर जर्सी पहनते हैं ना, ठीक है, एक तो जर्सी है और दूसरा है वो है होलस्टन। दूसरी नस्ल कौन सी है, होलस्टन। ये दो नस्ल है ये विदेशी है, दूध के लिए जानी जाती है, दोनों नस्लें अच्छी अच्छे दूध के लिए जानी जाती है, जर्सी और होलस्टन। आई थिंक यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, जर्सी और होलस्टन, ठीक है। तो ये दो नस्लें हैं, एक तो जर्सी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, होलस्टन। दोनों नस्लें कैसी है, दोनों विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लों के लिए जाने जाने वाली विदेशी नस्लें कौन सी है, होलस्टन और जर्सी। कई बार पूछा भी गया कि होलस्टन नस्ल है, तो होलस्टन गाय की नस्ल है, जर्सी नस्ल है बकरी की है, कुत्ते की है, भेड़ की है या भैंस की है, तो किसकी है, गाय की नस्ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो हमें टेबल के द्वारा हम ये जानेंगे कि देश में और राजस्थान में पशु संपदा जो है उसकी क्या स्थिति है, मतलब कौन सा पशु किस राज्य में क्या स्थिति रखता है, मतलब प्रथम स्थान कहां पर है, और दूसरी टेबल हमें बताएगी कि राजस्थान में वह जो पशु है, वह जो पशु वंश है, वह क्या स्थान रखता है। और ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये 2012 की पशु गणना के आधार पर बता रहा हूं, 2012 की पशु गणना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पशु संपदा के बारे में, और पशु संपदा में हमारे सामने है सबसे पहले ऊंट और बकरी। ऊंट और बकरी की बात करें तो ऊंट और बकरी में देश में जो स्थान है तो देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का, सबसे ज्यादा ऊंट और सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए राजस्थान की स्थिति अगर हम बात करें तो राजस्थान में यह प्रथम स्थान या फर्स्ट रैंक पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भैंस की, क्योंकि बेबी को भैंस पसंद है, भैंस की बात करें तो भैंस जो है देश में यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है, यूपी में भैंस सर्वाधिक पाई जाती है और राजस्थान में भैंस की स्थिति जो है वो सेकंड रैंक पर है, द्वितीय स्थान पर है। अब बात करते हैं भेड़ के बारे में, तो भेड़ की अगर बात करते हैं तो देश में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा भेड़ जो भेड़ वंश जो पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और देश में राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें तो देश में राजस्थान की स्थिति है थर्ड रैंक, देश में भेड़ को लेकर के राजस्थान की स्थिति क्या है, थर्ड रैंक है। उसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा, तो घोड़ा सबसे अधिक जो पाया जाता है, घोड़ा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यूपी के अंदर पाया जाता है। और राजस्थान की अगर देश में स्थिति देखते हैं तो राजस्थान में राजस्थान की फोर्थ रैंक है, अर्थात देश में चौथे स्थान पर घोड़ों की संख्या राजस्थान में पाई जाती है। गोवंश की बात करें
तो गोवंश में सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा गोवंश जो हमें देखने को मिलता है वो देश में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और राजस्थान में गोवंश की स्थिति, देश में गोवंश की स्थिति राजस्थान के अकॉर्डिंग देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, तो राजस्थान देश में फिफ्थ रैंक पे स्थापित है। और आगे चलते हैं कुक्कुट की ओर, कुक्कुट पालन में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश, आंध्र देश में प्रथम स्थान पर है आंध्र, और राजस्थान कुक्कुट पालन में 18वें स्थान पर है। राजस्थान जो है वो देश में कुक्कुट पालन में 18वें स्थान पर है, 18वीं रैंक लेकर के बैठा हुआ है। अब हमारे पास एक दूसरी सारणी है और इस टेबल में हम पशु उत्पाद के बारे में अध्ययन करेंगे। पशु उत्पाद मतलब पशुओं से जो चीज हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों पशुओं से जो चीज हमें प्राप्त होती है क्या क्या चीज प्राप्त होती है, तो सबसे पहले पशुओं से हमें प्राप्त होने के अंदर हमें प्राप्त होता है सबसे ज्यादा दूध। हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं दुग्ध उत्पादन। पशुपालन करने का सबसे प्रमुख कारण अगर है तो वो है दुग्ध उत्पादन। उसके बाद पशुओं से हमें प्राप्त होती है ऊन, उसके बाद हमें पशुओं से प्राप्त होता है मांस, और उसके बाद बात करें तो पशुओं से हमें प्राप्त होता है अंडा। अब हम इनकी स्थिति पढ़ेंगे तो आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक पशुपालन भारत में होता है। जब विश्व में सर्वाधिक पशुपालन भारत में होता है तो आपको पता है कि इन क्षेत्रों के अंदर भी भारत किस रैंक पे बैठा हुआ है, फर्स्ट रैंक पे बैठा हुआ है। दुग्ध उत्पादन में भारत किस रैंक पे बैठा हुआ है, फर्स्ट रैंक पे बैठा हुआ है, ठीक है। और बात करें हम राजस्थान की और भारत के अन्य राज्यों की कि उनका इन पशु उत्पाद में कौन सा स्थान है, तो देखो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो दुग्ध उत्पादन में राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा अगर दुग्ध उत्पादन होता है तो वो होता है यूपी के अंदर, और उसके बाद अगर नंबर है तो किसका है, वो स्थान है राजस्थान का। फिर बात करते हैं ऊन के उत्पादन की, तो ऊन के उत्पादन में सबसे ज्यादा स्थान अगर है तो वो है राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। और दूसरा जो स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करते हैं मांस की, तो मांस के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन होता है। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान यहाँ पर 10वीं रैंक रखता है, 10वां स्थान रखता है। अंडे के उत्पादन में बात करें तो राजस्थान का ऐसा कोई टॉप 10 के अंदर नाम नहीं आता। लेकिन अगर बात करें प्रथम स्थान की तो आंध्र प्रदेश, आंध्र जो है वो पूरे भारत में सबसे प्रथम स्थान रखता है। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 है। तो ये तो हमने बात की इस छोटी सी टेबल के माध्यम से पशु उत्पाद के बारे में, ठीक है। अब पशु उत्पाद के अलावा अब कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि अक्सर पूछ ली जाती है, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं। देखो सबसे पहली जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 19 सितंबर 2014 इस तारीख को बच्चों याद कर लो, 19 सितंबर 2014 आखिर क्या हुआ इस 19 सितंबर 2014 को। तो आपको बता दूं कि इस 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट को क्या घोषित किया गया, ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। तो 19 सितंबर 2014 जो है उसको आप हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर ले, क्योंकि ये तारीख कई बार पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु है तो राज्य पशु कौन सा है, ऊंट। दूसरा बिंदु मैं बात कर रहा हूं कि विश्व में सर्वाधिक मवेशी, तो विश्व में सर्वाधिक मवेशी अगर पाए जाते हैं, पूरे विश्व में सर्वाधिक मवेशी
विश्व में सर्वाधिक मवेशी अगर पाए जाते हैं तो विश्व में सर्वाधिक मवेशी भारत में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें भैंसों की तो विश्व की 57% भैंसे जो है वो भारत में पाई जाती है। विश्व की 57% भैंस भारत में पाई जाती है। तो ये आपको मैंने दूसरा तथ्य बताया। पहला तथ्य मैंने बताया था एक तारीख के रूप में जिसमें ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। अब बात करते हैं कि राजस्थान में पशु गणना कौन करता है। तो राजस्थान में पशु गणना तो राजस्थान में पशु गणना कौन करता है राजस्व मंडल। राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन करता है तो राजस्थान में बच्चों पशु गणना का जो कार्य किया जाता है वो राजस्व मंडल करता है। और ये राजस्व मंडल कहां पर है? ये राजस्व मंडल है अजमेर। ठीक है, ये पशु गणना का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपके समझ में आई होगी। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आपके भविष्य बनाने के अंदर मील का पत्थर साबित हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।